जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा दो की अंग्रेजी विषय में पाठ संख्या 5 मी एंड माई फैमिली जो हमने कल यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, अब हम पाठ संख्या 5 को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ही इज माई ग्रैंड फादर। वह मेरे दादाजी हैं। कौन बता रही है? जमुना। जमुना क्या कह रही है? ही इज माई ग्रैंड फादर, वह मेरे दादाजी हैं। हिज नेम इज श्री देवा। जमुना क्या बता रही है? वह मेरे दादाजी है। ही यानी वह, ही किस लिए आ रहा है? क्योंकि यहाँ पुरलिंग है, दादाजी पुरलिंग है ना, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया ही, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? ही। हिज नेम इज श्री देवा, इनका नाम श्री देवा है। ठीक है, श्री देवा है। ठीक है, GRANDFATHER, ग्रैंडफादर यानी दादाजी। MY MY यानी मेरा। ही इज माई ग्रैंडफादर, वह मेरे दादाजी हैं। हिज नेम इज श्री देवा, NAME नेम यानी नाम। हिज नेम इज श्री देवा, उनका नाम श्री देवा है। ही इज वेरी लविंग, वह बहुत प्यारे हैं। ही इज वेरी लविंग, वह बहुत प्यारे हैं। LOVING, लविंग यानी प्यारे। ही टेक्स केयर ऑफ़ अस, वह हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। ही इज माई ग्रैंडफादर, वह मेरे दादाजी हैं। हिज नेम इज श्री देवा, उनका नाम क्या है? श्री देवा। ही इज वेरी लविंग, वह बहुत प्यारे हैं। ही टेक्स केयर ऑफ़ अस, वह हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। She is my grandmother, वह मेरी दादी जी हैं। अब यहाँ क्या आया? सी मतलब स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आया है? सी, दादी जी स्त्रीलिंग है ना, तो क्या आया यहाँ पर? सी। अगर पुल्लिंग होता तो क्या आता बच्चों? ही। ठीक है, सी इज माई ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर यानी दादी जी, ग्रैंड मदर यानी दादी जी, वह मेरी दादी जी है। हर नेम इज श्रीमती दुर्गा, उनका नाम श्रीमती दुर्गा है। हर स्त्रीलिंग है, इसलिए हर आया, और अगर पुल्लिंग होता तो ही जाता। ठीक है, हर नेम इज श्रीमती दुर्गा। शी इज ऑल्सो लविंग, वह भी बहुत प्यारी है। दादाजी भी प्यारे हैं और दादी जी भी प्यारी है। शी इज ऑल्सो लविंग, वह भी बहुत प्यारी है। LOVING, लविंग यानी प्यारी। ठीक है, या प्यारे। शी टेक्स अस टू टेम्पल, वह हमें मंदिर ले जाती हैं। शी टेक्स अस टू टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल यानी मंदिर। TEMPLE, टेम्पल यानी मंदिर। वह हमें जो है कहाँ ले जाती है? मंदिर ले जाती है। ठीक है, She is my grandmother, वह मेरी दादी जी है। Her name is Srimati Durga, इनका नाम क्या है? श्रीमती दुर्गा। She is also loving, वह भी बहुत प्यारी है। She takes us to temple, और वह हमें कहाँ ले जाती है? मंदिर ले जाती है। ठीक है बच्चों, वापस देखो। He is my grandfather, वह मेरे दादाजी हैं। He is my grandfather, वह मेरे दादाजी हैं।
हिज नेम इज श्री देवा, उनका नाम क्या है? श्री देवा, उनका नाम क्या है? श्री देवा। ही इज वेरी लविंग, वह बहुत प्यारे हैं। लविंग LOVING, लविंग यानी प्यारे, LOVING, लविंग यानी प्यारे। ही इज वेरी लविंग, वह बहुत प्यारे हैं। ही टेक्स केयर ऑफ अस, ही टेक्स केयर ऑफ अस, वह हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, वह हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, ही किसके लिए आता है बच्चों? पुल्लिंग के लिए। जहाँ भी लड़के आदमी या पुरुष का नाम होगा वहाँ हमेशा ही लगेगा और हिज का, हिज उनके लिए काम आएगा। ठीक है, शी इज माई ग्रांड मदर, शी इज माई ग्रांड मदर, GRANDMOTHER, शी इज माई ग्रांड मदर, वह मेरी दादी जी है, वह मेरी दादी जी हैं। हर नेम इज श्रीमती दुर्गा, उनका नाम श्रीमती दुर्गा है। हर नेम इज श्रीमती दुर्गा। सी किस लिए आ रहा है? क्योंकि स्त्रीलिंग है। हर किसके लिए आ रहा है? क्योंकि स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग होता तो ही और हिज आता। ठीक है, सी इज माई ग्रांड मदर, वह मेरी दादी जी है। हर नेम इज श्रीमती दुर्गा, और उनका नाम क्या है? श्रीमती दुर्गा। शी इज ऑल्सो लविंग, वह भी बहुत प्यारी है। जैसे दादाजी प्यारे हैं वैसे भी दादी जी बहुत प्यारे हैं। शी इज ऑल्सो लविंग, LOVING, लविंग यानी प्यारे या प्यारी। ठीक है, शी टेक्स अस टू टेम्पल, शी टेक्स अस टू टेम्पल, वह हमें मंदिर लेके जाती है, वह हमें मंदिर लेके जाती है। TEMPLE, वह हमें मंदिर लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये था जमुना का परिवार, जमुना का परिवार। जय श्री कृष्णा।